मध्य प्रदेश के गुना में शिकारियों की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 3 पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर आपात बैठक के बाद तीनों पुलिस कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए सम्मान निधि देने की घोषणा की है। साथ ही घटनास्थल पर देरी से पहुंचने के लिए ग्वालियर IG अनिल शर्मा को हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने शिकारियों से मुकाबला करते हुए अपनी शहादत दी थी। इस घटना में दोषी अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इतिहास में उदाहरण बनेगी। अपराधियों की पहचान कर ली गई है और घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हमला करने वालों में 7 शिकारी शामिल थे, जिनमें से राघोगढ़ निवासी एक शिकारी नौशाद क्रॉस फायरिंग में मारा गया। और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे, ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटनास्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के IG को तत्काल